व्यूअर्स, वेलकम टू पेन एंड पेंसिल्स। आज हम देखते हैं प्री नर्सरी का सिलेबस। प्री नर्सरी में बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स में इंक्लूड रहता है रनिंग, बेंडिंग, जंपिंग, स्लाइडिंग, बैलेंसिंग, हॉपिंग, इस टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूड रहती है। नेक्स्ट, फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में बच्चे के थंब, फिंगर्स और हैंड के स्मॉल मसल्स के लिए सिखाया जाता है। इसमें फिंगरप्रिंटिंग, बीडिंग, सॉर्टिंग, फिक्सिंग पजल्स, ब्लॉक्स एंड लिंक्स, पेपर टीयरिंग, ये सभी एक्टिविटीज इसके अंदर इंक्लूड रहती है। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड स्पीच। लैंग्वेज एंड स्पीच में बच्चों को राइम्स, स्टोरीज, फोनिक साउंड्स, ये सभी करवाए जाते हैं। कॉग्निटिव एंड रिकॉग्नाइज स्किल में बच्चों को ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना बताया जाता है, नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना बताया जाता है, ए टू जेड अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना बताया जाता है। क्रिएटिव डेवलपमेंट में बच्चे को कलरिंग, फ्री हैंड पेंटिंग, मैचिंग, ये सभी एक्सरसाइज दी जाती है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर बच्चे को फेस्टिवल सेलिब्रेट करवाए जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करवाए जाते हैं और इस टाइप की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। इन सभी एक्टिविटीज के थ्रू ही बच्चों को लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। इंग्लिश में बच्चों को स्ट्रोक सिखाए जाते हैं, जैसे स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स, राइट स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स, ये सभी थ्रू ट्रेसिंग बच्चों को करवाए जाते हैं। सेकंड आता है लेटर्स ए टू जेड, रीडिंग, रिकॉग्नाइज, ट्रेसिंग एंड राइटिंग, फोर प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ए टू जेड रीडिंग बताया जाता है। इसके लिए इस टाइप के फ्लैश कार्ड्स का भी यूज किया जा सकता है। अल्फाबेट का स्ट्रक्चर बताया जाता है कि क्या होता है, ये बच्चों को पूरा रीडिंग आना चाहिए। प्री नर्सरी में बच्चों को प्ले वे एक्टिविटीज के थ्रू ही स्टडीज करवाई जाती है। एंड राइटिंग में बच्चों को पहले ड्रेसिंग करवाई जाती है, ड्रेसिंग के बाद में जो सिंपल अल्फाबेट्स हैं, एल है, टी है, जो कि सिर्फ स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन से बनते हैं, उन्हीं को सिखाया जाता है, एल, टी, एच, आई। मैथ्स में बच्चों को 1 to 10 नंबर्स उनको रीड करना सिखाया जाता है। सेकेंड, रिकोगनाइज करना, बच्चों को पजल्स के थ्रू नंबर्स को रिकोगनाइज करने को बोलते हैं, जैसे ऐसे कुछ नंबर्स के सेट बच्चों को दे दिए जाते हैं और उनको बोलते हैं 1 कहाँ पर है, तो 1 को ऐसे बच्चों को ही उठाना होता है, बोलेंगे 3 कहाँ पर है, तो बच्चों को ऐसे, तो इस तरह से बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन की एक्सरसाइज करवाई जाती है। मैथ्स में 1 to 10 नंबर्स बच्चों को ओरल रीड करवाना, रिकॉग्नाइज, देन ट्रेसिंग, और राइटिंग में बच्चों को सिंपल 1, 4, 7, 0 ये करवाए जाते हैं, जो कि बच्चा आसानी से लिख सके, वो भी हाथ पकड़ के उनको ऐसे ट्रेस करवाया जाता है। सेकंड, उनको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कुछ मैथ्स कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, जैसे बिग, स्मॉल का, कोई बड़ा चीज दे देंगे, स्मॉल दे देंगे, तो उनको बताएंगे दिस इज बिग एंड दिस इज स्मॉल, और ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जर्वेशन करवाते हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स को सॉर्टिंग करने को देते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट्स को एक साइड करो, डिफरेंट कलर के थ्रू सॉर्टिंग करवाते हैं। जीके में बच्चों को कॉमन फ्रूट्स बताए जाते हैं, जो कि जनरल यूज वाले होते हैं, उनको पिक्चर्स दिखा के, प्ले ग्रुप में इस टाइप के काफी सारे टॉयज रहते हैं स्कूल में, उनके थ्रू बच्चों को बताए जाते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जैसे पोटैटो है, ये कैबेज है, तो एक बार बच्चों को बताने के बाद में उनसे पूछते हैं कि पोटैटो कहाँ पर है, तो वो पोटैटो को इसको पिक करेगा, इस तरह से ऐसी एक्सरसाइज के थ्रू बच्चा चीजों को ऑब्जर्व करना सीखता है और उनको आइडेंटिफाई करना सीखता है। इसी तरह से बच्चों को एनिमल्स में भी ऐसे 3D ऑब्जेक्ट्स बच्चों को देखकर बताया जाता है, दिस इज काउ, दिस इज एलिफेंट, दिस इज लायन, ऐसे बच्चों को ऑब्जेक्ट से बच्चों को बताया जाता है उनको एनिमल्स के बारे में, और फिर उनको पूछा भी जाता है वेर इज काउ, तो बच्चा इसको पिक करेगा। ऐसे ही बच्चों को बॉडी पार्ट्स नेम पढ़ाए जाते हैं, कलर्स एंड शेप्स बताए जाते हैं, व्हीकल्स के बारे में बताया जाता है थ्रू ऑब्जेक्ट्स। जनरल कन्वर्सेशन बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे गुड मैनर्स, गुड मॉर्निंग बोलना, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, थैंक यू, प्लीज, इस तरह के बच्चों को बोलना सिखाया जाता है। माई सेल्फ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम। अदर्स में बच्चों को इंस्ट्रक्शंस, जैसे कम हेयर तो सिट डाउन, स्टैंड अप, इस टाइप के सभी चीजों का बच्चों को जनरल कन्वर्सेशन सिखाया जाता है। स्टोरी एंड राइम्स बच्चों को बुलवाए जाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों को कलरिंग एक्टिविटी और क्राफ्ट ड्यूटी करवाई जाती है। फेस्टिवल सेलिब्रेशन होते हैं, डांस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, ये सभी बच्चों को ओवरऑल प्ले ग्रुप में प्ले वे एक्टिविटीज के थ्रू ही सभी स्किल्स उनके अंदर डेवलप की जाती है, जिसमें कि मेनली ग्रोस मोटर एक्टिविटीज एंड फाइन मोटर एक्टिविटीज मेन है। बच्चों को कलरिंग एंड क्राफ्ट में इस टाइप की एक्टिविटीज करवाई जाती है। क्राफ्ट एक्टिविटीज में बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाती है, ये सनी डे, यहाँ पर बच्चे क्लोथ्स लगाए हुए हैं,
जो कि पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग की एक्टिविटी है। ये बनी ड्रॉ किया हुआ है एंड बच्चे से कॉटन को पेस्ट करवाया है। ये केक बनवाया हुआ है, इसमें कलरिंग करवाई है। ये हिडन अल्फाबेट्स की एक्टिविटी करवाई हुई है बच्चों को। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।